गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे आप। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ बॉडी, हिंदी में हम जिसको कहते हैं शरीर के अंग। आज हम मनुष्य के शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे कि हमारे जो शरीर के अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं। हाँ तो बच्चों, ये देखो एक लड़की की पिक्चर दिखाई हुई है। आज हम इसकी सहायता से इस लड़की के या हमारे जो शरीर के अंग हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये देखो एक पूरी एक लड़की के बारे में ऊपर ये पूरी एक पूरा चित्र है लड़की का। इसमें अलग अलग से सभी शरीर के अंगों के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो ये सबसे पहले हमारा ऊपर ये हमारा फेस होता है। ये देखिए जो आपका दिख भी रहा होगा, जो हमारा जो फेस है। अब फेस के ऊपर हमारे कौन कौन से अंग होते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले देखो हम हमारे इसके सबसे ऊपर हमारे कौन से हैं, ये हमारे बाल होते हैं जिसको इंग्लिश में हम हेयर बोलते हैं। दिख रहे हैं ना आपको? उसके बाद हमारे ये हमारी आंखें हैं, आईज हैं, जिसको हम अलग से हमारी जो आई है वो ऐसी दिखती है। उसके बाद बच्चों हमारा नोज है, क्या है? नाक है। अब नाक को भी हम अगर ध्यान से देखें तो हमारी नोज ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। उसके बाद हमारे फेस पे हमारा ईयर्स भी होते हैं, कान भी होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? कान, जिससे हम सुनते हैं वो हमारे ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। अगर हम जिनको ध्यान से देखें तो ये हमारे क्या है, ईयर की शेप, कान की शेप बनी हुई है। उसके बाद बच्चों हमारे फेस पे लिप्स भी होते हैं, क्या होते हैं? लिप्स। और लिप्स भी ये हमारे बच्चों देखो जो हमारा लिप होते हैं, लिप ये लिप की जो शेप है वो ये है, ये हमारा लिप्स है। जैसे हमने देखा था कि हमारे हेयर हैं, अब हेयर का भी अगर हम देखें तो हमारे देखो बच्चों जो बाल हैं वो हमारे ऐसे ऐसे होता है। देखो बच्चों हम दोबारा से हमारा जो ये फेस है, गर्ल का फेस दिख रहा है ना आप सबको, अब इसके बारे हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि हमारे फेस पे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले देखो हमारे फेस के ऊपर हमारा सबसे ऊपर हमारे बाल होते हैं जिनको हम हेयर्स बोलते हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारा फोरहेड होता है, क्या होता है? फोरहेड होता है, जिसको हम माथा बोलते हैं। उसके बाद बच्चों देखो ये हमारी दो आंखें होती हैं जिसकी सहायता से हम हर चीज को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों दो कान होते हैं जिसकी सहायता से हम सुनते हैं। हमारी एक नोज नाक होती है और उसके बाद बच्चों हमारे होंठ होते हैं और हमारा एक मुंह भी होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अब देखो बच्चों ये हमारा इस पूरे उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा ये चेहरा है, क्या है? फेस है। उसके बाद बच्चों ये हमारी क्या है? नेक है, क्या है? नेक। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गर्दन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? गर्दन। उसके बाद बच्चों ये हमारे क्या थे, ये हमारी नेक था और फेस था। उसके बाद बच्चों हमारे ये शोल्डर होते हैं, क्या होते हैं? कंधे होते हैं, क्या होते हैं? शोल्डर। शोल्डर हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे दोनों साइड्स में जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? शोल्डर्स होते हैं। उसके बाद बच्चों ये हमारा क्या है? हैंड है, क्या है?
ये देखो हमारा यहाँ पे एल्बो बनी होती है, जो हमारी कोहनी होती है ना उसको हम एल्बो बोलते हैं। ये हमारी एल्बो है, कोहनी है। उसके बाद बच्चों देखो ये भी हमारा एक हाथ दिखा रखा है, दिख रहा है ना आप सबको। इस पे हमारे क्या होती है, एक रिस्ट होती है जहां पे हम घड़ी बांधते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट, कलाई बोलते हैं। ये हमारा जो ये हमारा हाथ होता है, हैंड होता है, और ये हमारी क्या होती है बच्चों, ये हमारी फिंगर्स होती हैं। कितने फिंगर होती है आपकी, 5। और ये हमारा एक थंब होता है, क्या होता है बच्चों, अंगूठा बोलते हैं जिसको। क्या देखो बच्चों, अब उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, पेट है, जिसको हम हिंदी में पेट बोलते हैं और इंग्लिश में बैली या स्टमक बोलते हैं। जो खाना खाने के बाद हमारा खाना कहाँ पे आता है, स्टमक में ही आता है। उसके बाद हम देखो बच्चों, हम नीचे देखते ये आते हैं, ये हमारे क्या है, हमारे लेग्स हैं। क्या है बच्चों, हमारी लेग्स हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग्स दिखा रखी है। अब लेग्स में हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हमारे बच्चों देखो, ये हमारे यहाँ पे घुटने होते हैं, ये हमारी क्या होती है, थाइज होती है। क्या होते हैं बच्चों, हमारी थाइज। ये हमारे क्या होते हैं, नीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नीज, जिनसे हमारा जो लेग है वो बेंड होती है, मुड़ती है। उसके बाद बच्चों देखो, ये हमारे पैर होते हैं, फुट बोलती हैं, इनके भी 5 फिंगर्स होती हैं, 4 उंगली और 1 अंगूठा। अब देखो बच्चों, ये हमारे पूरे, ये हमारा पैर है, पैर की शेप है, और पैर की शेप में भी ये हमारे, इनको क्या बोलते हैं, पैर के अंगूठे को टॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉ, जिसे टॉज बोलते हैं। और ये हमारी जो एड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हील बोलते हैं, एडी को क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। अच्छा बच्चों, एक बार से हम सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी को दोबारा रिपीट करेंगे कि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन कौन से होते हैं शुरू से लेके अब तक। सबसे पहले हमारे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे हेयर होते हैं, उसके बाद हमारी आईज होती है, फिर हमारे ईयर्स होते हैं, नोज भी होती है, उसके बाद बच्चों हमारे लिप्स एंड माउथ, हमारे बच्चों नेक, नेक के बाद बच्चों देखो हमारे शोल्डर, शोल्डर के बाद हमारे हैंड, फिर हमारा एक बेली या स्टमक, फिर बच्चों हमारा जो नीज, लेग्स, लेग्स पे कौन कौन से होते हैं, हमारे नीज होते हैं, थाइज होती हैं, फुट, एंकल, और बच्चों टो होती है, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टॉस को, पांव के अंगूठे। क्या बोलते हैं, पांव के अंगूठे। चलो बच्चों, अब आपको सबको पता चल गया होगा कि हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। थैंक यू।